वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल बिरादर, और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें मैं बताने वाला हूँ हाउ टू यूज बखूर। बखूर एक अरेबिक इंसेंस को बोलते हैं, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सालों से, बहुत पुराने टाइम से लोबान इस्तेमाल किया जाता है। और साउथ में अगर आप चले जाओ और कहीं और, मतलब इंडिया में बहुत सारी जगह अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है, तो वो खुशबू के लिए होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए होता है। और ये जो बखूर है वो एक तरह का धूप उसको कह लीजिए, या एक तरह का लोबान या अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है, उसी तरह इससे भी जो है ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं धुआं निकलता है। तो ये वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको एंड तक देखिए, एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ और डिटेल में इसको बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसको एंड तक वीडियो को देखेंगे। तो चलिए बखूर कैसे इस्तेमाल किया जाता है आज मैं बताता हूँ। तो आज का ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्साइटिंग रहेगा आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, और बहुत सोच और समझ के जो है ये टॉपिक मैंने चूज़ किया है कि हाउ टू यूज़ बखूर। तो बिर्रा जो आपको बखूर देता है, जो बिर्रा के पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है बखूर में, वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी के, बहुत ही नेचुरल टाइप के बखूर अवेलेबल है और बहुत रीज़नेबल रेट्स में अवेलेबल हैं। लेकिन वो आपके सामने लाने से पहले मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं बनाता हूँ जिसमें मैं ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि इसको इस्तेमाल कैसा किया जाता है, कि इस ये क्या चीज़ होती है और क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और अरब कंट्रीज़ में इसका क्या क्या यूसेज है, और वो उसको अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बखूर के बारे में, कि बखूर जो है एक वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, एक प्रोडक्ट उसको कह लीजिए, वो बखूर कहिए या दखून उसको कहिए, बखूर कोई बोलता है, कोई उसको जो है इंडिया में धूप से पहचानता है, कोई मैंने जैसे कहा कि अगरबत्ती भी हमारे यहाँ जो इतना यूज़ होती है वो भी वही काम करती है जैसे बखूर काम करता है, लेकिन क्वालिटी में बहुत वास्ट डिफरेंस होता है। ये बखूर जो है वो एकदम रिच इन क्वालिटी होता है, प्रोडक्ट्स उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो अक्सर जो है ऐसी चीज़ों से डिराइव होता है जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो उसका रेट जो है वो कॉस्ट उसका कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे बखूर के अंदर जो लकड़ी का चूरा, जो बखूर जो अगरवुड की जो लकड़ी, जो ऊद की लकड़ी बोलते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, वो कई महंगी तो महंगी कई लाख रुपए किलो की आती है और सस्ती कई हज़ार रुपए किलो की आती है, उसका जो लकड़ी का चूरा होता है उसके साथ अतर वगैरह, चारकोल का जो चूरा होता है यानी कोयले का जो चूरा होता है, वो बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके उसको बनाया जाता है, एक साथ उसको मिलाया जाता है, ऐसे बखूर तैयार होता है। तो बखूर कैसे बनता है वो एक अलग टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो मैं उसके ऊपर आपसे जो है बात करूँगा और आपको इंग्रेडिएंट्स जो बताऊँगा और चीज़ें बताऊँगा इसमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले देखिए मैंने ये लिया है एक एल्युमिनियम फॉइल, जो खाने का जो खाने में इस्तेमाल होता है, रैपिंग वगैरह में, खाने के पैकेजिंग में जो फॉइल इस्तेमाल होता है वो मैंने लिया है। एक हमारा जो है बिर्रा का बखूर है, बखूर अंबर इसका नाम है, ये एक टैबलेट फॉर्म में आता है। तो होता क्या है कि जब वो मिक्स किया जाता है लकड़ी का जो चूरा होता है, तो अक्सर मैंने जैसे बताया कि एगरवुड यानी ऊद की लकड़ी का चूरा होता है, लेकिन हमारा जो बखूर है ये रीज़नेबल प्राइसिंग में आता है। इसके अंदर हम ऊद की लकड़ी का चूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं, सैंडलवुड की लकड़ी का इसमें चूरा जो है इस्तेमाल होता है, और उसके साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं तब ये बनता है। तो ये होता है एक्चुअली पाउडरी फॉर्म में, और इसको मशीन में डाल के ऐसा टैबलेट बनाया जाता है इसका। तो ये एक टैबलेट है, मैं आपको बताऊँगा कैसे इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद में एक हमारा एक प्रोडक्ट आता था और अभी भी थोड़ा अवेलेबल है और नए में जो है टैबलेट फॉर्म में आएगा, ये इसका नाम है बखूर मलिकी। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और ये ऐसे अगर आप देख सकते हैं तो इसको मैं जैसे बता रहा हूँ ये पाउडरी फॉर्म है। इसके लिए मैंने एक स्पून लिया है, छोटा सा ये स्पून है, तो ये इसमें ऐसे हमको ऐसे स्पून लेकर उसको डालना है।
तो जैसे मैंने बताया कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो टॉपिक है हमारा, तो आज मैं वही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और इसमें जो जलाने के लिए दो टाइप के इसके बर्नर होते हैं, एक तो नॉन इलेक्ट्रिक होता है, जो आपके सामने ये खूबसूरत सा बर्नर है, ये जो बर्नर मैं आपको बता रहा हूँ, ये लग रहा तो ऐसे है कि जैसे वो अलादीन का जो चिराग है, घसेंगे तो अंदर से जिन निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसकी ये खूबसूरती है, ये इसका कंपार्टमेंट है जो आप देख रहे हैं, मैं हटा रहा हूँ इसको, और इसमें हम ये कोल है, कोल का पैकेट है, तो ये ऐसे कोल के पैकेट आपको रेडिली जो हुक्का वगैरह में यूज़ होता है, इसको बोलते हैं मैजिक कोल। तो ये पैकेट आपको ईजिली 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ में मार्केट में रिटेल में आपको मिल जाएंगे। इसमें 10 टैबलेट्स आती हैं, मतलब कोयले की जो मैजिक कोल की 10 टैबलेट्स होती है। इसका जो खुला हुआ पैकेट मेरे पास पड़ा है, जो मैं आपके सामने ये बताऊंगा, तो ये देखिए, ये ऐसे ये कोयला है, ये कोल का जो है पैकेट है, उसमें से मैंने निकाला है। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है नॉन इलेक्ट्रिक पे, कोल पे, कोयले पे, मैजिक कोल पे इसको जला के मैं आपके सामने इसको पेश करूँगा। और दूसरा एक बर्नर आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बर्नर, उसमें कोई बर्नर ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली आप प्लग कर दें और बटन ऑन कर दें, स्विच, मेन स्विच ऑन कर दें, तो वो इलेक्ट्रिक बर्नर जब हीट अप होता है तो वो बखूर जलता है उसके अंदर, एक वो भी ऑप्शन है। दूसरा एक उसमें आता है इलेक्ट्रिक में रेगुलेटर वाला, एक रेगुलेट कर सकते हैं आप उसको, तो अगर आप वो रेगुलेटर वाला यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि बखूर एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसमें से धुआं जब निकल जाता है और वो राख बन जाता है, जलने के बाद जब राख बचती है तो खुशबू सब उड़ जाती है, तो उसका फिर कोई काम नहीं बचा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर मार्केट से रेगुलेटर वाला अगर बखूर बर्नर मिल जाए तो उसको अराउंड 50-60 डिग्री टेम्परेचर पर सेट करके आप 2 या 3 चम्मच उसमें बखूर का पाउडर डाल दें, या मैं जैसे ये बताने वाला हूँ जो बखूर टैबलेट्स है उसको तोड़कर चूरा बना के डाल दें, तो ऐसे आधी टैबलेट तोड़ के डाल सकते हैं आप। अच्छा, इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं बखूर का, वो मैं बताना चाहूँगा। बखूर एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने कहा ना कि इंडिया में धूप या अगरबत्ती इस्तेमाल की जाती थी, जो धुआं घर में होता है और खुशबू जो फैलती है वो घर में आपके पर्दों में, आपके सोफ़ा सेट में, आपके बेडशीट्स में, लिनन में, सारे मतलब कपड़ों में वो चीज़ बैठ जाती है। आपके कबर्ड में आप उसको जला के उसका धुआं दे सकते हैं बखूर का, तो वो खुशबू जो है आपके घर में रहेगी, जो भी आपके यहाँ मेहमान आ रहा है या बाहर से कोई अंदर घर में आ रहा है तो उसको एक फीलिंग आएगी, एक लग्जूरियस अरेबिक शेक टाइप जो ऑपुलेंस, और मैं कहूँगा कि एक जो फीलिंग आएगी वो रिच एकदम किंग स्टाइल जो लाइफ होती है वैसी एक फीलिंग आएगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा मैंने एक बखूर बर्नर जो है नॉन इलेक्ट्रिक बर्नर लिया है, उसमें यहाँ पे आप इसको बखूर को स्टोर कर सकते हैं, इसका एक कंपार्टमेंट है, और इसमें ये ऊपर का जो हिस्सा है ये ऐसा कवर करके भी आप रख सकते हैं, नहीं तो अक्सर जो है जलाने के बाद जो इसको हटा लिया जाएगा, ये इसका जो कैप है उसको हटा देंगे। और इसमें सबसे पहले मैं ये फॉइल को मैं फोल्ड करूँगा और इसके अंदर मैं रखूँगा, प्लेस करूँगा, और इसके अंदर जो है एक मैजिक कोल में इसको रखूँगा। और इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक देखिए इस तरह का ये जो लाइटर आता है, एक मार्केट में ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ये कोयले को जलाने के लिए जो हुक्का वगैरह मैजिक कोल जलाते हैं, हुक्का पीते हैं, तो वो जलाने के लिए लाइटर होता है स्पेसिफिक। ये इसमें एक स्विच है, यहाँ पर बटन है, ये यहाँ से फ्लेम आती है, तो आप देखिए मैं इसको कैसे जलाता हूँ, इसको इस तरह मैं इसको जलाऊंगा थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15-20 सेकंड के लिए आप इसको ऐसे आग ये कोयले के ऊपर जो है जलाएंगे 15-20 सेकंड के लिए, इसके अंदर से धुआं आने लगेगा, ऐसे बारीक बारीक जो है चिंगारी उठने लगेगी इसमें से, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जल चुका है। इसको फिर थोड़ा सा हल्का सा फूकूंगा मैं, देखिए इसके अंदर आपको दिखेगा ये ऐश यानी कि राख जैसा वाइटनेस आ गई है,
और रेडनेस भी आ गई है। अगर आपको धुआं कम लगे तो आप और इसको थोड़ा सा ये लाइटर से जला सकते हैं। हाँ, अभी इसमें थोड़ी रेडनेस आ गई। अब ये रेडनेस आने के बाद में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इसको बखूर का जो पाउडरी फॉर्म है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब ये मैंने एक स्पून लिया, ये तकरीबन एक स्पून के आसपास इतना, ये एक छोटी सी स्पून है, और मैं इसके ऊपर ये डाल रहा हूँ जलते हुए कोयले पे। ये देख रहे हैं आप कितना बेहतरीन जो है धुआं निकल रहा है इसमें से। ये धुआं जो है वो पूरे आपके बेडरूम या लिविंग रूम या आपका जो वार्डरोब अगर हो वहाँ पर, ये धुआं को आपको देना है, कपड़ों के पास ले जाना है, इसको बच्चों से दूर रखना है क्योंकि ये आग है, कपड़ों से दूर रखना है, कपड़े इसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए नहीं तो आग लग सकती है, क्योंकि इसको बहुत एहतियात से बहुत प्रिकॉशंस लेकर इसको इस्तेमाल करना है, ऐसा ना हो कि घर में आग लग जाए, क्योंकि ये कोयला है, जल रहा है, आग है, तो इसको बहुत एहतियात से इसको इस्तेमाल करना है, बच्चों को तो बिल्कुल इससे दूर रखना है। और ये अपने ऑफिस में, अपने घरों में आप इसको जला सकते हैं तो ये आपको एक अरेबिक आपका जो खुशबू फैलाएगा, एक अरेबिक टोन है इसके अंदर, बखूर के अंदर जो सैंडलवुड की लकड़ी का पाउडर होता है उसमें अत्तर होता है। इसमें आपको एक ट्रिक मैं देना चाहूँगा, एक टिप देना चाहूँगा, ऊद के जो अत्तर आते हैं चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे वो देसी अत्तर हो, जो खुशबू आपको पसंद हो वो ये जलते हुए कोयले के ऊपर जब आप बखूर डालते हैं उसके ऊपर एक दो बूंद अगर आप डाल दें तो वो खुशबू उसके साथ में निकलेगी और बहुत बेहतरीन खुशबू होगी, आपको आपके सेंसेस को वो काम डाउन कर देगी, बहुत माहौल को रिलैक्स कर देगी। और इसी तरह जैसे मैंने बताया कि एक तो ये हुआ कि पाउडरी फॉर्म में कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, दूसरा ये जो है टैबलेट फॉर्म में जो आता है उसको भी इसी तरह यूज़ करना है। देखिए मैंने अभी एक टैबलेट आपके सामने निकाला, इसको मैं ब्रेक करूँगा, तो ब्रेक करने के बाद देखिए ये एक ऐसा टुकड़ा मैंने निकाला, इसको पाउडरी फॉर्म में मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगा। अब ये कोयला जलेगा तब इसके साथ में जलने लगेगा, और ये तकरीबन ये प्रोसेस जो है ये एक 20 मिनट 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट्स का होगा। आपको ये जलाकर अपने घर के अंदर रखना है, शाम के वक्त, सुबह के वक्त, जैसे आपको चाहिए, जिस वक्त आपको एक रिलीजियस और एकदम होली एक माहौल चाहिए घर के अंदर या ऑफिस में आपको एक खुशबूदार माहौल चाहिए तो आप ये जला सकते हैं, इसकी खुशबू रह जाएगी घर के अंदर। और ये देखिए इसको अरब कंट्रीज़ में मैंने अरब्स को देखा है वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे बखूर एक अल्टरनेटिव है, ऊद की जो लकड़ी आती है एगरवुड चिप्स आते हैं, बहुत महंगे आते हैं, जैसे मैंने बताया हज़ारों में लाखों में पर केजी, तो उसका ये एक अल्टरनेटिव है, अगर वो नहीं तो ये एक बेटर ऑप्शन है जिसमें से सेम लकड़ी के जैसी खुशबू आने लगती है, फीलिंग एक आती है कि हमने जैसे अगरवुड चिप्स जलाया हो। और ये धुआं जो है नहाने के बाद अपने कपड़ों में लिया जाता है, अगर कपड़े आपके हैंगर में है तो वहाँ पर आप ये धुआं दे सकते हैं, तो वो खुशबू एक माहौल, और मैं बता रहा हूँ कि मैं उसको फील कर पा रहा हूँ, काश के ये आपको वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचे, तो ये फील कर पा रहा हूँ मैं इसको अपने बालों में, अपने कपड़ों में, इसको आप ये धुआं को ले सकते हैं, एक धुआं नहीं ले सकते हैं इसकी, तो ये आपको तरोताज़ा रखती है इसकी खुशबू, और इसकी ये जो खुशबू हमारे नाक से होते हुए हमारे जहन में जाती है, हमारे दिमाग में जाती है, तो बहुत एक खुशनुमा जो है रिलैक्स्ड माहौल बनाती है, हमारे सेंसेस को काम डाउन करती है, तो ये एक बेहतरीन चीज़ है बखूर। इंडिया में बहुत सारे लोगों को पता भी है इसके बारे में, दखून और बखूर वो उन्होंने इस्तेमाल भी किया है, जिनका अक्सर ट्रैवलिंग वो करते हैं मिडिल ईस्ट में या सऊदी वगैरह में, तो अरेबिक कंट्रीज़ में इसका कल्चर है, वहाँ पे तो डेली बेसिस पे ये यूज़ किया जाता है। इंडिया में भी डेली बेसिस पे पहले मैं देख चुका हूँ पुराने ज़माने में, यानी आज से तकरीबन 30-40 साल पहले, तो लोबान का हर शाम को जो है सनसेट के वक्त
लोबान घर में जलाया जाता था, बहुत घरों में आज भी वो ट्रेडिशन चल रहा है। उस वक्त बहुत सारे लोग जो है अगरबत्ती जलाते हैं, तो वो सब हम करते ही हैं। उससे बेटर ये है कि हम ये भी इस्तेमाल करें बकूर। तो इसी के साथ मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आज का जो वीडियो है थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा, उम्मीद करता हूँ कि इससे आप सबको फ़ायदा पहुँचा होगा। कुछ बातें अगर रह गई हो तो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं उसमें आपको जवाब दूंगा। और बिर्रा के पास बखूर में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या उसके फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल है, उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। और वेबसाइट पे आप विज़िट करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको बखूर मिल रहा है, तो वहाँ से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, मैजिक कोल अलग से आपको मार्केट में, लोकल मार्केट में मिल जाएगा, तो उसके साथ आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कैसा होता है बखूर। आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप इसके जो है रेगुलर यूज़र हो जाएंगे आप इसके, और आपको इतना पसंद आएगा ये, आप ये खुशबू जो मैं को यहाँ पे मिल रही है इससे, वो आपको भी मिलने लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आएगा, और आप इसी तरह प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।